दोपहर 2 बजे के पश्चात जयराम सदन के अंदर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने नगर पालिका चेयरमैन व साथ में सभी पार्षदों के साथ जो उपस्थित थे उनके साथ एक बैठक की और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि अतिक्रमण जो शहर के अंदर है उसके प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में आपने हमारे चैनल पर देखा होगा कि किस प्रकार से जो है बरामदे कम्प्लेक्स के अंदर जो हैं उनके अंदर अतिक्रमण है और उसको हटाए जाने की खबर जो है जोर शोर पर है, उसी के रिगार्डिंग ये एक बैठक आज हुई और इस बैठक में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे पार्षद साथी और नगर पालिका जो चेयरमैन हैं रमेश साहब। आज पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा की मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ये सिर्फ बरामदा खाली करने के लिए मीटिंग नहीं थी। याद रामविलास शर्मा जी ने हमें सभी पार्षदों को शहर के सभी विकास कार्य संबंधित हमसे जानकारी ली कि कौन सी विकास कार्य है होने हैं, कौन सी विकास कार्य में कौन सी दिक्कतें आ रही है, कितना पैसा हमारे पास है, कितना हमें जरूरत है, तो सभी विषयों पर हमारी चर्चा हुई। साथ में इस विषय पर चर्चा हुई कि जैसे आप बता रहे बरामदा खाली करने के लिए, सिर्फ बरामदा खाली करने की हमें मतलब पूरे शहर के अंदर जो भी अतिक्रमण हुआ है हो रहा है तो उसको कैसे हम हटा सकते हैं, नहीं हटा, इस पर चर्चा हुई। तो शहर में अतिक्रमण के हालात बुरे हैं और आम जन इससे बहुत परेशान है। तो अतिक्रमण जितना भी शहर के अंदर चाहे बरामदे हो, चाहे वो कहीं किसी भी शहर में कहीं पे भी हो, किसी भी बाजार में हो, सभी पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। कब से ये कार्रवाई आप शुरू करने जा रहे हैं? ये तो हम जैसे आदरणीय जो सेक्रेटरी साहब अपने वो इस विषय में ज़्यादा बता पाएंगे। अभी तो नोटिस दे रखा है जिसकी 3 दिन शायद पूरे नहीं होंगे। जी नहीं, नोटिस दे रखा है लेकिन अभी कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ती है तो वो उनका काम छूट गया है।